बाबर, नसीम, शाहीन, अबरार और बेचारे हमारा एक कप्तान सैफी भाई आर आउट ऑफ द स्क्वाड इन द मिडल ऑफ ऑन गोइंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। आर दे ड्रॉप्ड और गिवन रेस्ट? लेट्स जस्ट फाइंड आउट। करंटली पाकिस्तान इज प्लेइंग 3 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड और हमेशा की तरह हम पहले मैच इंग्लैंड से हार चुके हैं एंड वी आर 1-0 डाउन इन दिस सीरीज। अभी सारे क्रिकेट फैंस को एक शॉक मिला ही था, देन पता चलता है हमारी पुरानी सिलेक्शन कमेटी को डिसमिस कर दिया जाता है। हम सोचते अब इससे ज़्यादा क्या ही बुरा हो सकता है, लेकिन देन कम्स आवर न्यू सिलेक्शन कमेटी और इस बात को चैलेंज समझ लेती है और वो कहती है हम इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। बट सवाल ये बनता है, अगर रेस्ट देना ही था तो ड्रॉप क्यों किया? प्लेइंग 11 से निकाल देते हैं, ये स्क्वाड में नाम ही अनाउंस ना करते हैं। दे हैव एडेड कामरान गुलाम, साजिद खान एंड जाहिद महमूद एज रिप्लेसमेंट्स, दो वी नो दैट दे टोटली डिजर्व टू बी इन द टीम बट दे मस्ट हैव बीन हियर बिफोर। इधर इंग्लैंड की टीम भी सोच रही होगी कि ए टीम तो जीत नहीं पा रही, इन्होंने बी टीम चूज कर ली। दूसरे मैच में डिसाइड किया गया कि हम टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे विच मेक सेंस और इसकी वजह से आपने 3 स्पिनर्स भी ऐड किए, लेकिन क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? खैर जो हुआ वो हुआ और कहीं ना कहीं सही भी हुआ क्योंकि बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे बहुत अरसा से और उनको रेस्ट की ज़रूरत भी थी। चलो इसी बहाने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को चांस तो मिल गया जिनमें हमारे मिडल ऑर्डर के बेस्ट बैट्समैन कामरान गुलाम भी मौजूद है जो कि करंटली डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर है और उन्हें आते समेत ही सेंचुरी लगा दी। दिस शोज कि अगर डोमेस्टिक के वेल एस्टेब्लिश प्लेयर्स को चांस मिले सो दे विल परफॉर्म। हेयर इज़ द एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ कामरान गुलाम जिसने पेचे से भरी हुई पिच पर अपना टेम्परमेंट शो किया एंड मेड श्योर ही परफॉर्म्स इन अ विनिंग कॉज। खैर खबर सिर्फ यहीं तक नहीं थी, रिसेंटली हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स ने भी इस डिसीजन पर अपनी राय देने लगे हैं। रिसेंटली फ़खर जमान ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया जिसकी वजह से PCB की तरफ से उनको शो कॉज का नोटिस भी जारी कर दिया गया। आई मीन फ़खर भाई क्या ज़रूरत थी, किस बात का दिखा है? अब क्या सही क्या गलत वो तो इस मैच के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान ने इस मैच में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड किया हुआ है, लेकिन हमें तो पता है कि पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है और किसी भी जीते हुए मैच को हार में कैसे तब्दील करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए या नहीं।